HSBT के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था, जो भी अपडेट होगा मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में कहा था, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो भी ऑप्शन था वो क्लियर हो गया। जब उन लोगों के पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, अब ये डिपेंड्स स्टूडेंट पे होगा, या वो ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी NSUI टीम या फिर जो भी हमारे दिव्यांशु सर हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से और जो भी हमारे सिविल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है उन सभी के सभी बच्चों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो वो एक हरियाणा में आज के टाइम में मानोगे नहीं स्टूडेंट के सपोर्ट में एक वो एम्पायर की तरह है, जो सभी बच्चे का प्रॉब्लम वो सुनते हैं और सभी बच्चों का के लिए वो आगे आते हैं, और इससे पहले भी आते रहे और अभी भी आपने इससे पहले भी जब भी बच्चे वहाँ पे HSBT प्रोटेस्ट करने गए थे तो वो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा था जो मेरे से अपडेट लेते रहे। वहाँ पे किसी टाइप की बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, दिव्यांशु सर खुद जो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बच्चों को क्रिएट कर रहा है, कोई मतलब बहुत आप भी समझ रहे हो, कोई पुलिस वाला कोई इधर उधर बहुत इस तरह की दिक्कतें जब बच्चे कहीं प्रोटेस्ट पे जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर करवा सकते हैं, लेकिन उनको मैंने हर अपडेट देता रहा। और मैं आपको बताऊँ, इससे पहले दिव्यांशु सर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने देखा होगा सबसे उसी दिन मैंने कहा, सबसे पहले तो उनकी मीटिंग थी और सेकेंड टॉपिक ये था जो वहाँ पर बच्चे बहुत काफ़ी कम थे। देखो क्या है, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, अब भी जागो। अब मंडे को जो भी आपने देखा होगा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेस्ट होना है, मुझे नहीं लगता वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे वो, क्योंकि अब तो वहाँ का क्लियर हो गया, जो पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसका प्रॉफिट हम लेने वाले हैं, जो अब हम जो भी दिव्यांशु सर है उनसे मैं बात करूंगा, स्टूडेंट भी बात करेंगे, जहां वो है ट्विटर पे उन्हें अधिक से अधिक ट्वीट करो, जो सर अब हमारे लिए सुनो, सभी बच्चे ट्विटर पे उनको ट्वीट कीजिए, जो सर अब हमारे प्रॉब्लम को देखा जाए, हमारा सोल्यूशन करवाया जाए। जो भी HSBT के स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को क्लियर कहना चाहता हूं, जो भी आप लोगों की मांग है ऑनलाइन पेपर से रिलेटेड आप लोग रखिए और आप उनका सोल्यूशन करवाइए। देखिए यहां पर दो प्रॉब्लम जो है, जो सबसे मेन था मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो भी ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड था, एक तो हमें ये चाहिए, और सेकंड जो हमारा जो भी बच्चे कह रहे हैं जो डायरेक्टर का कुर्सी जो है किसी और बंदे को दिया जाए, सही बात, जो भी स्टूडेंट की ये मांगे है आप लोग रखो। आपने जो कहा भी, बहुत बच्चों का कॉल आता है, बहुत बच्चों ने ट्वीट भी किया, जो सर हमें ऐसा डायरेक्टर नहीं चाहिए, बिल्कुल थर्ड क्लास डायरेक्टर है, आज तक इन्होंने ना हमारी प्रॉब्लम सुनी, ना आज तक ये कभी हमारे कॉलेज आए, ना इनके रहते हमारा प्रैक्टिकल हो रहा, ना इनके रहते हमारी क्लासेस चल रहे हैं। तो बच्चों का मेन टॉपिक ये भी था, जो भी हमारे डायरेक्टर अभी है राजेश गोयल, इनको हटवाओ और हमारे लिए जो भी हरियाणा सरकार है वो एक अच्छा सा डायरेक्टर चुन के लाए, क्योंकि ये किसी काम के डायरेक्टर ये नहीं है। कि डायरेक्टर कहने का मतलब होता है ये नहीं जो बस ऑफिस में बैठे रहे, हाँ भाई कुछ नहीं, आप मुझे बताओ इन डायरेक्टर सर के रहते, बच्चे गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, ना तो ये क्लासेस ढंग से कहीं चल रही है, ना इनके रहते प्रैक्टिकल हो रहा है। एक बात, बस कैमरा कब चलता है मैं आपको बताऊं, जब एग्जाम का टाइम रहता तब हर जगह कैमरा, रे भैया पढ़ा दो, उस कैमरे की क्या जरूरत है, अगर पढ़ाई के टाइम में अगर ढंग से क्लास लेते तो उस कैमरे की कोई जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टर साहब, उस टाइम तो आपने किया नहीं। अब आपने PSBT ऐसे बोर्ड जब वो कह रहे हैं जो भैया हम ऑनलाइन पेपर लेंगे, तो HSBT को भी अब ऑनलाइन पेपर लेना होगा। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट करो, अगर आप लोग 700 से लेकर 1000 बच्चे के बीच में वहाँ आओ, मैं आपको कहता हूँ, मैं भी NSUI के जो भी टीम के मेंबर है मैं उनसे बात करता हूँ, दिव्यांशु सर को भी आज मैं शाम में कॉल करूँगा, जो भी दिव्यांशु सर है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जो अब हमारे HSBT से के बारे में देखिए और HSBT का सोल्यूशन निकालिए। बस मैं बच्चे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अब आपको NSUI का भी सपोर्ट तभी मिलेगा जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में वहाँ पर स्टूडेंट पहुँचोगे। और मैं आप लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब NSUI टीम भी आप लोगों का सपोर्ट करेगी, बस इसके लिए आपको एक काम करना है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आप स्टूडेंट वहाँ लाइए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में स्टूडेंट लाओगे इस डायरेक्टर का भी, और एक सेकेंड जो ये ऑनलाइन एग्जाम है, अब हमें कुछ नहीं, ऑफलाइन एग्जाम में अगर ये हमें कितने भी प्रॉफिट दे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जब PSBT जिस मोड में ले रहा है ऑनलाइन मोड में, जिस तरीके से वो ले रहा है, आप लीजिए, हमें कोई MCQ क्वेश्चन नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो बच्चे MCQ क्वेश्चन में चीटिंग करते, तो जिस अकॉर्डिंग आप ही के बिल्कुल स्टेट के बदल बिल्कुल चिपका हुआ, जिनकी राजधानियाँ भी इनकी सेम है, अगर वो ऑनलाइन ले रहा है जिस अकॉर्डिंग, आप उसी अकॉर्डिंग लीजिए। और सेकंड, जो भी है राजेश गोयल है, मुझे हमारी इसकी चेयर जो भी है डायरेक्टर होगा कुछ भी, किसी काम का डायरेक्टर नहीं है, ना इसके रहते क्लासेस, ना कुछ नहीं किया, तो इससे रिलेटेड अब जो भी मांगे स्टूडेंट आप लोग सामने रखो, इस डायरेक्टर को भी बदलवाएंगे और हमारे ऑनलाइन एग्जाम चाहिए। और जो जिन बच्चों उस दिन वो बच्चे गए थे, तो उन्होंने कहा था बच्चों को, जो हाँ भाई हमारे पास बहुत ऐसे मेल आए जिस मेल में 5000 बच्चों ने ये कहा, जो हमारे पेपर ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाए, तो मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उन सभी मेल को कम्प्लीटली अपने सबूत के फॉर्म में रखिए, जैसे कि हमने बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर रखा है। देखो बच्चों ने ये जो है DC को भेजने वाले,
जो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास, जैसे वी आर द स्टूडेंट ऑफ HSBT, ये मैं आपको YouTube का जो भी मतलब होता है वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टर साहब भी और जो भी हमारे स्टूडेंट है वो। बस मैं एक ही बात लास्ट कहना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रोवाइड करो और जो भी आपके NSUI है ये आपका 100% सपोर्ट करेगी। मुझे इतना सपोर्ट है दिव्यांशु भैया पे भी और जो भी NSU के टीम के मेंबर है, मैं इन पे बहुत बहुत मुझे पता है ये सपोर्ट करेंगे और 100% सपोर्ट करेंगे और इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चों के बारे में सुनते हैं। दिव्यांशु भैया शुरुआत से बच्चों के बारे में सुनते आए हैं और ये हमारा सोल्यूशन निकलवा के देंगे। जब ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? इनके लिए स्टूडेंट सेम है, बिल्कुल अपना क्रेडिट लेस होते बंदे, कुछ होते ना पार्टी के मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट लेस होने के बावजूद ये इतना काम कर रहे हैं। तो मैं बस लास्ट क्वेश्चन से ये करूंगा, जो HSBT से रिलेटेड ये हमारे लिए सोल्यूशन ला दे। जो भी था मैंने क्लियर कर दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट मैं बता दूं 700 से लेकर 1000 स्टूडेंट, आपको पता ही होगा डेट हमारा कब का कन्फर्म है, 15 फरवरी जो भी सुबह 10 बजे 10 AM में आप सभी स्टूडेंट को वहां पहुंचना है। और जो भी बात है डायरेक्ट आप ऑनलाइन पेपर की मांग रखिए और जो भी ये कह रहे हैं ना, जो आप परमिशन जो भी पुलिस वाले बुलाए, आप डायरेक्ट उनको फेसबुक लाइव पे लाइए और उनको बोलिए सर आप ये बात कहो क्यों हमारे मौलिक अधिकार का आप भंग कर रहे हो। अगर आप मौलिक अधिकार भंग करोगे तो फिर उसके आगे भी जो जो भी कोर्ट की कार्रवाई है सब कुछ किया, लेकिन जो मेन है आप लोग 5-15 तारीख को सभी बच्चे सुबह 10 बजे मैक्सिमम स्त्रेंथ में पहुंचो। अगर चाहते हो पेपर ऑनलाइन तब, अगर ये बात हम पहले ही बैठ के बैठ जाते हैं जो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, अगर सिविल वर्ल्ड अगर इससे रिलेटेड आवाज़ नहीं उठाता तो जो भी बच्चे आज के टाइम में इस बात को खुश है ना, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं मेरा क्रेडिट नहीं है, जो बच्चे उस टाइम में प्रोटेस्ट पे बैठे या कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर या जहां भी बोर्ड के बाहर, ये सभी उनका दिया हुआ है। तो अगर कोई बात ये बंदा कोई लड़का अगर ये सोच के खुश हो रहा है जो ये सारा किया हुआ डायरेक्टर का, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो जब वो प्रोटेस्ट पे बैठे तो उसके बाद ही आप लोगों को इतना ऑप्शनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी भी हार मत मानो, लास्ट हमारे पास चांस है। 15 तारीख को मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे पहुंचो, पंचकुला सेक्टर 4 जो भी डॉक्टर सर के ऑफिस के बाहर हमारा सोल्यूशन निकलेगा और हम अपना सोल्यूशन निकलवाएंगे। ओके बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस यही है, 700 से 1000 बच्चे वहां पहुंचो और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे का क्या कैसे। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।